राशन दुकानों पे कब तक राशन पहुंचता, मतलब कितनी तारीख से? राशन दुकानों पर राशन नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा पहुंचाया जाता है, और जब संचालन खाद्य से डाटा डाउनलोड हो जाता है NFSA के पात्र परिवारों को कितना राशन मिल रहा है, उसके बाद जिस तारीख को, जैसे 8 तारीख हो गया, 7 तारीख को, उसके बाद उसका राशन वितरण होता है। कंट्रोलों पर प्याज पहुंचाई है राशन दुकानों पे, प्याज भी बढ़ रही है, राशन भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें साथ साथ नागरिक आपूर्ति के अंदर परिवहन किया जा रहा है। अच्छा, कुछ दुकानदार बोल रहे हैं कि प्याज सड़ गई है तो फेंक दी, तो चेंज कर दें, वो नागरिक आपूर्ति निगम को चेंज करवा दें, यदि प्याज कहीं अनावश्यक रूप से खराब हो चेंज करवा दें। अच्छा। कोई भी उपभोक्ता को सड़ी प्याज नहीं देना, अच्छी नहीं देना, यदि कहीं ऐसा चेंज करा दें। जी बिल्कुल, तो वो उनका कहना यह था कि प्याज फेंक दी, एक ट्रक प्याज फेंकी, वो जो है बताएं मुझे क्या फेंकी है, क्या हम देख लेंगे। ठीक, और अपना एक आपने कभी चेक करवाया है कि राशन कार्ड जो बना हुआ है वो गरीबी रेखा वालों के बने हैं या रईसों के? गरीबी रेखा के सर्वे में नाम अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार सर्वे कराने के बाद उसमें दर्ज करते गरीबी रेखा की सूची में, उसके बाद जब पात्र व्यक्ति आ जाता तब हम उसको राशन कार्ड बनाते हैं। तो अपात्र व्यक्तियों का सर्वे जो है अनुभागीय अधिकारी तहसीलदार करते हैं। अच्छा, तो ये लोग चेक भी नहीं करवाते क्या? दो दिन नहीं, वो सब चेक करते हैं, बिल्कुल बाकायदा करते हैं। दो दो तीन तीन महिला मकान बने हुए लोगों के, तो वो आप बिल्कुल चेक करते हैं ऐसे, कम से कम अभी पिछले महीने से अभी तक 250 करीब उन्होंने कैंसिल भी करे हैं परिवार राशन कार्ड के। जी जी, क्योंकि हम देखते रहते हैं तीन महिला मकान बना करते हैं और सर्वे में अपात्र जी। और लोग सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते हैं राशन की दुकान पर? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है, राशन की दुकानें जो है जिस टाइम खुलती हैं प्रातः 9 बजे से, तो उस समय उपभोक्ता जाते हैं और राशन अपना प्राप्त करते हैं। यदि किसी उपभोक्ता को राशन नहीं मिला तो बाकायदा मुझसे संपर्क कर सकता है, मुझे अपने कागज दिखा सकता है, मुझसे शिकायत कर सकता है, मैं उसकी बाकायदा उसके सामने जांच करूंगी और उसको जो पात्रता का राशन पूरा दूंगा। लोग डरते हैं आपके पास तक, तो आप तक तो पहुंच ही नहीं पाते, डरते नहीं है, लोग इसलिए डरते हैं। लाइन है, इतने साधन है, प्रत्यक्ष में आते हैं मेरे पास में, ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं आता राशन नहीं मिला। हाँ, यदि उसका राशन कार्ड नहीं बना तो राशन नहीं मिलाओ, लेकिन राशन मिलता है। और अपना जिन लोग जो लोग उठा नहीं पाते हैं, जैसे कि इस महीने नहीं उठा पाया है, तो अगले महीने वो राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? वो क्योंकि पोर्टल है अपना, ऑनलाइन पोर्टल है जो शासन से बना हुआ है, इस तरह उसको राशन लेना है। जी, नहीं मिलता तो अगले बैलेंस में जाता है, फिर वो चला जाता है। आप ही के पास रहता है? नहीं, हमारे पास नहीं रहता, वो बैलेंस में से माइनस होता है। अच्छा, फिर जब अगले महीने राशन मिलेगा तो उतना मात्रा जो है काटने के बाद मिलती है, जैसे 200 क्विंटल एक दुकान पे पूरे जिले में बचा, तो हमें जो अगले राशन मिलेगा, मान लीजिए 1000 मिल रहा है, तो उसमें से 200 क्विंटल काट के 800 क्विंटल मिलेगा। जी, तो उपभोक्ता टाइम से ले रहे हैं अपना राशन। चलिए ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।